पर सरकार से विनती करना चाहता हूँ, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार जो पैसा देता है देता है, जो सम्मान देता है देता है, राज्य की भी जिम्मेवारी है वो भी सम्मान दे और हर शहीद परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा, बिल्कुल उनके परिवार में 1 सरकारी नौकरी और रोजगार की बात तो सारी सरकारें करती हैं, तो जब शहीद के परिवार को रोजगार नहीं दे सकते तो हम किसको रोजगार देंगे, 1 सरकारी नौकरी और अगर उनके बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन तक उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये एक टूटे फूटे घर में रहते भी हैं जो इस राज्य के भ्रष्टाचारी अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, उनकी बड़ी बड़ी कोठी होती है, लेकिन एक शहीद का, एक सैनिक का घर इस तरीके का होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? कभी सुने हैं कि गुंडा का बेटा जो है आर्मी में गया हो? कभी नहीं। कभी सुने हैं कि बड़ा बिजनेसमैन का बेटा आर्मी में गया हो? कभी नहीं। कभी सुने हैं कि बड़ा नेता का बेटा आर्मी में गया हो? नहीं। हमेशा जो है गरीब परिवार का ही बच्चा आर्मी में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान परिवार का ही बच्चा आर्मी में जाता है, आर्मी परिवार का ही बच्चा आर्मी में जाता है। हम लोगों ने देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रखी है, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग जो है एक शहीद परिवार के सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा ले, क्योंकि बॉर्डर पे अगर ये नहीं खड़े होंगे तो हम अपने घरों में सुरक्षित चैन से नहीं सो पाएंगे। तो बिहार के सभी लोगों से विनती है कि अगर आप सेना के सम्मान में खड़े होना चाहते हैं तो आइए हम इनके परिवार वाले का मदद करें। और हाँ, 365 दिन बाद यानी 1 साल बाद जो है ये पिता जो है एक अच्छे घर में जो है होने चाहिए, ताकि जो है ये रास्ते पे चलते हुए किसी भी यंग को देखे तो इनको उस बच्चे में जो है अपना बच्चा का चेहरा दिखाई दे। मनीष जी, एक सवाल है, पिता ना ही डिप्टी सीएम ना ही सीएम नहीं दिया, संवेदना नहीं दिए, कैसा देखते बिहार? देखिए, अगर मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे, अगर यहाँ के नेता जो है बिहार के लोगों का सम्मान करेंगे तो बिहार के लोग नेताओं का सम्मान करेंगे, अगर नेता बिहार के लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे, तो बिहार के लोग और शहीदों का परिवार जो है नेताओं का सम्मान नहीं करेगा। नहीं, उस पे बात हम लोग नहीं करेंगे, उसको हम लोग जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब चीजों पे हम लोगों के लिए अनेकों मंच है वहाँ पे। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान हर बार भारत के ऊपर हमला करता है और बिहार के सैनिकों को शहीद करता है, क्या कोई ऐसा तीर में तर्कस में तीर नहीं कि भूखा नंगा पापी देश पाकिस्तान जिसके खून लाले पड़े खाने के लिए उसको खत्म कर दिया जाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी उसको उसी के भाषा में समझाएंगे पाकिस्तान को और उसको सबक सिखाएंगे। एक बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस दिन वो शांत बैठा था, फिर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद से पाकिस्तान जाके सुधर जाएगा। हमारा फर्ज बनता है कि हम कम से कम उसको तो सम्मान दिला सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं, दे भी सकते हैं और दिला भी सकते हैं। तो बस विनती है कि हम लोग जो है 365 दिन के अंदर इस परिवार को एक अच्छे घर में देखना चाहते हैं, ये घर देख सकते हैं, एक शहीद परिवार का ये घर नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये स्थिति है, तो हम 365 दिन के अंदर मतलब 1 साल के अंदर अंदर इनको एक पक्के मकान के अंदर देखना चाहते हैं, इनके पूरे परिवार को देखना चाहते हैं। इन लोगों ने बताया कि 6 डिसमिल सिर्फ जमीन है, उसमें 5 भाई है, उसमें 5 भाई है, मतलब कि 1.25 डिसमिल एक आदमी को आएगा, यही इनका घर बनाने का, यही घर बनाने का जमीन है। तो हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा इनके खाते में अगर मदद कर दें, इनके पिताजी के या जो शहीद हैं उनकी पत्नी के खाते में अगर थोड़ा थोड़ा मदद कर दें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 13 करोड़ 80 लाख हमारी जनसंख्या है, अगर 1-1 रुपया दे दिए तो आप लोग हिसाब कर सकते हैं कितना पैसा हो जाएगा। फिर एक शहीद जो है बॉर्डर पे शहीद होने से पहले ये नहीं सोचेगा कि मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूँ, देश के लोग हमारे परिवार का सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारा जिम्मेवारी है कि जब शहीद देश का सुरक्षा कर रहा है तो हम उसके परिवार की सुरक्षा जरूर करें। तो देखिए, ये मनीष कश्यप इनका साफ साफ तौर पे आह्वान है और कह रहे हैं कि जितनी आबादी है बिहार की, अगर सब और प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा 1-1 रुपये मात्र दिया जाए तो आज स्थिति जो है कल जो होगी इस परिवार की सबसे अलग होगी। और मनीष कश्यप का साफ तौर पे कहना है कि नए मकान में यानी नए घर पे इनको देखना चाहते हैं, क्योंकि शहीद का परिवार इस तरीके से नहीं रह सकता है। फिलहाल आपका क्या कुछ सोचना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देखते हैं स्टॉक में, आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।